रो क्यों रहा है? अलग ये जरा मेरे आंसू पहुंचे, वो कीमे पे गिर रहे हैं टिप टिप। कीमे पर सिर्फ आंसू नहीं टिप टिप गिर रहा है, तुम्हारा पसीना भी गिर रहा है। पसीना नहीं पूछ रहा अलग। हाँ, पसीना पूछने से पहले तुझे मजदूरी देनी पड़ेगी। और तूने वो नहीं सुना कि गरीबों का पसीना बह रहा है? यार कोरस गा रहे हो तुम, खुद आंसू भी नहीं पहुंच सकते, जवान हो गए हो। यार अलग मैंने पहले पूछे थे तो 3 घंटे मुझको दिखाई नहीं दिया इमाम से, उसने सारी मिर्चियां लगी आंखों में। इधर मुंह कर। ये कैसे पूछ रहा है? हैं? कागज से? कागज से ये मेरा मुंह है को मेज तो नहीं है। अच्छा अच्छा तेरे रुमाल से पहुंच देता हूँ। जल्दी कर जल्दी। अब नजर आ रहा है? अब ठीक। यार बड़ा ही भगत आदमी है तू, अबे रोना धोना बंद कर, ये बता कि कीमा तैयार है? कीमा किसका? काहे का कीमा? अबे कबाब का कीमा। कबाब का कौन सा कीमा? अबे कबाब का कीमा और काहे का कीमा? ये कबाब का कीमा है तो काहे का कीमा? ये तो संडे का कीमा है। क्या? ये तो उस संडे का कीमा है अलन, वो जो वो गाड़ी के आगे लगा हुआ था ना, कूड़े वाली गाड़ी के आगे, जो बेहोश होकर गिर पड़ा था, कमजोर बहुत था ना तेरे जैसे, तो फिर लोगों ने छुरी फेंक दी। बकवास की तो मैं तेरा यहाँ पर कीमा कर दूंगा, मैं ये बता दूँ। यार अलन कसम खा जा फिर। क्या? कि ये संडे के दिन संडे का कीमा तू 2 रुपए किलो से नहीं लाया था तू? यार उसका इस वक्त जिक्र जरूरी है। नहीं नहीं तू कसम खा जा कि मरी हुई मुर्गियां पोल्ट्री फार्म से वैगन में भर के नहीं लाया था जो लोगों को तूने चिकन पीस के तौर पे खिलाई। अबे खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, ये चौक पर बैठ कर के ये बातें कर रहा? ना ना तू कसम खा जा कि तूने चील और कौओं को काट के तो उसकी टिके बोटी छोटी छोटी बना के खा जाकर ये बोटी कबाबे लोगों को नहीं खिलाई थी। अबे चुप कर, फल में हाथ जोड़ रहा है। तू कसम खाएगा? तू कसम खा जा कि तूने वो मासूम चिड़ियों को छील कर तूने बटेरों के नाम पे नहीं बेचा था? खुदा का वास्ता है, अबे लोगों को पता चल गया तो वो हमारी टिक्का फोटी कर देते। नहीं नहीं लोगों को तो पता चल ही नहीं सकता, वो तो खाने के बाद भी उनको पता नहीं चलता। यार अलन मेरा एक मशवरा है। क्या? मैं तुझे छील के ना हाँ? तो गुजरा वाले के कीड़े की तरह तुझे यहाँ पे ना भून दू। तू बड़ा गुनाहगार आदमी अलन, तेरा ये कारोबार बिल्कुल नहीं चल सकता, मैं तुझे कह रहा हूँ। पता का वास्ता है यार नन्हे, बात सुन, खाने का हर कारोबार चल सकता है क्योंकि इंसान ने खाने में जानवरों को पीछे छोड़ दिया। मगर तू लोगों को हराम खिलाने पे क्यों तुला हुआ है? अबे इसलिए कि लत पड़ गई है लोगों को हराम खाने की। और तेरा क्या ख्याल है? ये चील और कौवे और ये गिर बस यही हराम है? नहीं नहीं और भी चीजें हैं, मसलन कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं। ये कुत्ते और बिल्लियों का इस वक्त जिक्र जरूरी है ना? तो कुत्ते बिल्लियों का बेचारों का जिक्र ही हो सकता है ना? पहले क्या अच्छा वक्त होता था, यहाँ लोग आके बैठते थे, धोनियाँ फेंकते थे, जो कुत्ते और बिल्लियों के घोल नहीं फिरते थे, खुद वो खा जाते, सफाई करके चले जाते। अब तो हड्डियाँ हमें फेंकनी पड़ती। तो अच्छा हुआ ना बे, तुमसे हमारी निजात हो गई। हाँ तो तुझसे निजात कब होगी? तू भी तो लोगों को हराम पे हराम खिलाए जा रहा है। यार तू कैसा पागल आता है, सिर्फ हम ही हराम चीजें खाने खिला रहे हैं और वो यहीं पर आकर के हराम चीजें खाते हैं, वैसे हराम चीजें नहीं खाते। और क्या हराम चीजें? रिश्वत खाते हैं, खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। टैक्स खाते हैं? हाँ वो भी करोड़ों रुपए के। हाँ हाँ वो भी खाते हैं और खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। तो फिर किन किन हराम और हलाल चीजों को रोएगा तू? यार अनन वैसे तू ठीक कह रहा है, हराम और हलाल चीज में अब कोई फर्क रहा नहीं भाई। इसीलिए तो मैं तुझे समझा रहा हूँ नन्हे के, यार तुम अपना काम जारी रखो, इन छोटी छोटी बातों पर खुड़ने का क्या फायदा है? यार अनन तू ठीक ही कह रहा है। थोड़ा सा एक मिनट, ये थोड़ा सा नमक चखो। क्या नमक? नहीं यार तू खुद चख। नहीं नहीं मेरी जुबान गंदी हो जाएगी, मैं नहीं ये खाता, ये दफा कर इसको। अच्छा ठीक है, बदबू आ रही है ना तो लोगों का सुन क्या हशर होगा। अच्छा कर। हाँ नमक ठीक है। हाँ फिर इसमें तू जरा मिर्चें और टेस्ट कर दे। नहीं नहीं ऐसा करना, वो मिर्चें है ना पिसी हुई, हाँ एक पैकेट और डाल। नहीं नहीं अलग नहीं, नहीं वो मैंने पहले बहुत मिर्चें डाली हुई, तेज हो जाएंगी। अबे तेज खाक हो जाएगी, कौन सी असली मिर्चें तेज हो जाएंगी? पिसी हुई ठीक है। यार अनंत एक बात तो बता, यहाँ सिर्फ बस ये हर चीज ना खालिस ही है, कोई चीज नहीं रह गई खालिस खाने की। हाँ हाँ एक चीज रह गई है खालिस खाने के लिए। क्या? अरे गुस्सा। ना तो गुस्सा तो हराम चीज है, ये तो नहीं खाना चाहिए। ओ खुदा यार तू क्या हलाल और हराम की बकवास में पड़ गया है तू? तू अपना काम कर, फिर मसाला तेज कर। क्या तेज हो रहा है? आइए आइए। छुरी छुरी किसके लिए? पब्लिक के लिए और किसके लिए? आपने इस धंधे में फंसा जो दिया है हमें। यार इस धंधे में बड़ा माल है, तुम दिल लगाकर काम करो। आप फिक्र ही ना करें पहलवान जी,
आपकी दुकान को तो हम ऐसा चला के दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे। हाँ जी, आप याद करें ना करें, पब्लिक जरूर याद करेगी। यार अल्लाह, ये कुछ मैं मुर्गियां लाया हूँ दोस्तों के लिए, शाम को आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्तों को भी मरी हुई खिला रहे हैं। अरे नहीं यार, मैंने सुबह मैं मार्केट गया था, अपने सामने जबा करवा के बनवा के साफ करा के लाया हूँ। अच्छा जी, तो दोस्तों को आप मार्केट जाके जबा करा के साफ करा के खिलाते और ग्राहकों को मरी हुई मुर्गियां खिला रहे, आपके ईमान को क्या हो गया पहलवान जी? कच्चा चबा गए हैं या सीख पे लगा के भून के खा गए? यार अल्लन, समझ नहीं आती, तुम समझदार लगते हो, ये आदमी क्या बकता रहता है? जी बकने दीजिए, जो बकते हैं वो बकते रहे, सुबह से शाम तक लोग बकते रहते हैं तो उनका नोटिस कौन लेता है? आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा इस बंदे को यहाँ। अच्छा अलन, एक आदमी आएगा, मैंने उसे मुर्गियों का ऑर्डर दिया। अच्छा भाई, बड़ा ही सस्ता माल दे रहा है। अच्छा, तो क्या गली से जाके पकड़ के ले आता है? पता नहीं क्या करता है यार। अच्छा। लेकिन माल बड़ा सस्ता दे। अच्छा, मरी हुई मुर्गी है या जिंदा? अरे और मरी। हाँ हाँ हाँ, तो क्या मार्केट से भी सस्ती? मार्केट में तो आग लगी हुई है, मरी मुर्गी जिंदा मुर्गी के अभाव दे रहे हैं और ऊपर से जालिम के बच्चे पहलवान। ये आ गया, यही है वो, यही है। ज्यादा दो दर्जन मिली है सिर्फ, बाकी अभी जिंदा थी, शाम को जाकर फिर पता करूंगा। चौक में बोल रहा है, खाना खराब आवा रख दे, जाल धर रख। बड़े काम का आदमी है, बड़े काम का आदमी है। बस ठीक है जी, काम कर दिया फिर तो। अच्छा तो आप जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। ठहर पे ठहर, मेरे साथ चल, जीप में ले जाऊंगा इसी में। अच्छा जी, वो मेरा माल तैयार कर दे। पहलवान अलन, अलन इधर इधर बासु यार, ये जो अपने ये दुकान का मालिक है ये पहलवान, ये किस किस्म का पहलवान है? कुश्ती तो कभी मैंने इसकी देखी। तुमने इसकी कुश्ती नहीं देखी? नहीं। वो जो बंदा मरी हुई मुर्गियां लाया है मेले में, तो ये पब्लिक के साथ क्या करता है? खिला के कुश्ती तो कर रहा है। तो ये आवारा आदमी है, जुआ खेलता है। अरे इसके पास पैसा है, ये नहीं खेलेगा तो हम खेलेंगे। इस तरह पैसा तो नहीं जाया करना चाहिए यार। जो पैसा आसानी से आ जाता है ना, फिर वो जाया ही होता है। देखते यही पहलवान, छोटी सी दुकान होती थी इसकी। अच्छा। साफ सुथरा माल बेचता था। अच्छा। लोग खा के इसको दुआएं देते। अच्छा। ना तो अब इसके ईमान को क्या हो गया? बस अब इसका ईमान बिगड़ गया, लोग इसके यहाँ आके खाने लगे। हाँ। पैसा आने लगा, जब पैसा आने लगा तो इसकी हिर्स बढ़ती गई, जमीन खरीदने लगा, मकान खरीदने लगा, जायदाद खरीदने लगा। ईमान घटता गया, पैसा बढ़ता गया। ना तो अब तो इसका ईमान जो है बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो जीरो जीरो। हाँ, अब तो जनाब ये जुआ खेलता है लंबे लंबे, समझ रहे हो ना, लंबे लंबे खेलता है और चाहता है कि पैसा एकदम से आ जाए, फौरन आ जाए और बहुत सा आ जाए। यार अलन, ये जो पैसा नाम की एक चीज है, ये बहुत बुरी चीज है। इसके पीछे अगर हम यानी पीछे भागते भागते तू तो तीला हो जाना था। शुक्र है हमारे पास पैसा नहीं है। बकवास कर रहा है, टेक लगा के बैठा हुआ। अबे गाहक को घेर के लाओ। अच्छा अच्छा, आइए जी भाईजान, संडे के कबाब। आइए जी, मरी हुई मुर्गियों की जलगार। ये क्या हो रहा है, ये ग्राहक बुला रहे हो तुम? तूने खुद ही कहा ग्राहक को घेर। अबे यहाँ बैठ के थोड़ी ग्राहक घेरते हैं, जाके जबरदस्ती ग्राहक को पकड़ के लाते हैं। तो आवाज नहीं लगानी? अबे आवाज नहीं लगानी है ना यार। जब तुम देखोगे गाड़ी आ रही है उसके पीछे भागो। तुम देखते नहीं हो कि एक गाड़ी आती है और 10 लौंडे पीछे भागते हैं? तो हाँ, क्या करो बोलो। अबे वो गाड़ी आई, अरे जल्दी कर, भाग पकड़, पकड़। आएगी महंगी बाउजी, आई आइए आइए बाजी, मुझे उधर ना जाना, बासी माल है सब। चलो चल, बासी माल का बच्चा ये ताजा है जी, बिल्कुल आइए आइए। ऐसा हो जाएगा जी, उधर ना जाएंगे। जरा सीम खामोश रहो तुम, ये बिल्कुल ताजा है। आइए आइए, इधर आइए। ना जाएंगे जी, इधर आ जाए। ना क्यों जाए आप? ना जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे क्या मतलब? हमने सीखो भी नीला चौथा लगाया हुआ। अरे क्या कर रहे हो ये? मैं आपको चुप के ले जा रहा हूँ। क्यों चुप के ले जा रहा हूँ? इस तरह चुप के ले जा रहा हूँ जिस तरह चील चूहा चुप के ले जाती है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ के ले आए? मेरा कसूर क्या है? ना जी, तो आप कभी अखबार पढ़ते? हाँ पढ़ता हूँ। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि फलां फलां को चुप के ले गया, अगवा करके ले गया। तो जिनको अगवा करके ले जाते तो उनका क्या कसूर होता है? ना तुम मुझे ये बताओ कि मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे यहाँ पे उठा के क्यों ले आए? सौदा बेचने के लिए। सौदा ऐसे बेचते हैं, कपड़े फाड़ के गिरेबान से पकड़ के और इस तरह से घसीटा घसीटी करके। तभी से बात करो जो गाहक से, मैं उनसे ऑर्डर ले रहा हूँ। ऑर्डर ले रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो?
खाएंगे क्या? टिके नहीं, चिकन भी नहीं, कबाब नहीं, हड्डी हड्डी नहीं। अरे भाई, मुझे इन चीजों से डॉक्टर ने मना किया हुआ है। क्यों मना किया भाई? भाई मैं तो मरीज आदमी हूँ, मैं तो वो सामने डॉक्टर की दुकान से दवा लेने के लिए जा रहा था, तू मुझे यहाँ उठा के ले आया बदबख्त। देख रहे हो कि उनसे बात तक तो हो नहीं रही। यार अलन, ये क्या है? ये क्या लानत है मुझ पर? हालांकि अच्छा भला मुझे शक्ल से नजर भी आ रहा है कि ये मरीज है, लेकिन वो नहीं, बस उस वक्त नहीं समझ आया। चलिए जी, चाचा जी, मैं तो फिर इसका मतलब है आप गाहक नहीं है। गाहक ऐसे होते हैं बदबख्त। चलिए आए, मैं आपको उठा के छोड़ के आता हूँ। मैं खुद चले जाऊंगा। तू छोड़ दे, वो खुद चले जाएंगे। इधर है डॉक्टर। नहीं नहीं, इधर नहीं है, इधर ही है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर इधर 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 है डॉक्टर। उधर इधर इधर है या उधर है या कहीं है? आए आए भाई, वो आप इस तरफ गए। ये क्या हरकत थी? यार ना, मुझे नहीं मान से पता चला गया ये क्या इस तरह ग्राहक बुलाते हैं। वेरी सॉरी यार, तुम्हें ग्राहक और राहगीर में तमीज नहीं है कोई? अब मुझे क्या पता था, शक्ल से तो वो नजर आ रहा था, लेकिन नहीं, बस समझ नहीं सका, गलती हो जाती है। अच्छा, तुम यहाँ बैठो और अब आइंदा गलती ना होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सामने जा रहा हूँ। सामने सुबह से अखबार नहीं पढ़ा तो मैं सोच रहा हूँ अखबार ही देख लो। अखबार देख लीजिए, है ना? सिर्फ अखबार ही देखने जा रहे हो ना? और क्या करते? इधर आओ ना, इधर आओ। सिर्फ अखबार देख लीजिए। बस ये अखबार में ही आएगा। कैसे तुम क्या ये खबर अखबार में ही आएगी? तो क्या खबर? कि अलन चाय पीता हुआ ट्रक के नीचे आ गया। चाय पीता हुआ ट्रक के नीचे कैसे आ जाएगा आदमी? बस खबर क्यों होती है, बस आजकल तो खबरें ऐसी होती है। बात मत करो, मैं भी आ रहा हूँ। भी नहीं जा रहा है, आ रहा है। कोई बात नहीं, तेरे आते को मैं भी जो हराम हलाल है ना सब या तो नहीं खाऊंगा, नहीं मैं बस फेंक ही दूंगा। आइए आइए, क्या खाएंगी? आपने मेरी बिल्ली तो नहीं देखी? कमाल है, ये चिकन कॉर्नर है ये कांजी हाउस। सुबह से चार आदमी आके ये पूछ चुके हैं कि आपने मेरा कुत्ता तो नहीं देखा। हाँ, बिल्ली को आपने ऑर्डर दे के भेजा? नहीं, सुबह से लापता है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो कहीं हलीम वाले की दुकान पर ना चली गई, गलती से उधर चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। पता नहीं वो शख्स उनको क्या सिखा दे। भाई वो उधर नहीं जा सकती, इसलिए कि वो हलीम नहीं खाती है। नहीं, वो हलीम नहीं खाती है, दूसरे तो खाते हैं ना। मैंने सोचा शायद हड्डियों की लालच में इधर आ गई। शीबा 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 शीबा, हड्डियों के पहले बिल्ली की बात कर रही थी, अब शीबा को ढूंढ रही है। शीबा शीबा शीबा, कितनी खूबसूरत बिल्ली। अरे शीबा, अभी तुम्हारी मालकिन इधर आई थी मेरे पास। देखो अकेले मत फिरा करो, जमाना बहुत बुरा है, अगर किसी दिन तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो वो तुम्हें देजकी में बंद कर देगा और ऊपर से ढकना दे देगा, जब ढकना खोलेगा तो फिर उसमें तुम नहीं होगी। अमीन होगा। आया जी आया, शीबा तुम इधर ही रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, ऐसा करो जी, चार चिकन पीस ले आओ। चार चिकन पीस? चिकन पीस आप? हाँ, धो के लाना। धो के? क्या मतलब है धो के, निचोड़ के, नहला के, चड्डी पहना के चिकन पीसों को लाऊं? ओ नहीं भाई, हम मसाला जरा कम खाते हैं इसलिए धोने को कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कितने बताया आपने? चार चार। यहीं पे खाएंगे, साथ ले जाएंगे? यहीं खा लेंगे। अच्छा अच्छा, बीवी से चुप के खा रहे हैं? ओ नहीं भाई, बीवी साथ है, वो सामने शॉपिंग कर रही है मार्केट। तो फिर आपकी बीवी को ना पहले बुला लूं? ओ नहीं यार, तुम जाके ऑर्डर लगाओ। मैं कह रहा हूँ वो ठंडे हो जाएंगे ना, इसलिए मैं कह रहा था। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आप कहें। शीबा, क्या 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 क्या, तुम मेरी बीवी को आवाज़ दे रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्ली को भाई। हाँ, अभी लाया, अभी लाया जी माल। ओ बेड़ा गर्क, ये क्या हुआ? ये तो सारा कीमा बिल्ली खा गई, तो अब मैं कबाब कैसे बनाऊंगा? खाना खराब। एक दर्जन कबाब दे दे।
दर्जन कबाब। काय के दे दूं? कीमे के और काय? कीमा नहीं है, सारा शीबा खा गई। शीबा कौन? शीबा कौन? यहाँ मोहल्ले में रहती है, मन से बड़ी खूबसूरत है, खूबसूरत खूबसूरत उसके बाल हैं, ये जनाब हरी हरी आंखें और इतनी लंबी तुम। किसकी बात कर रहे? बिल्ली की। तो आप किसकी समझ रहे थे? या किसी वो सारा कीमा ही खा गई थी। मैं आपका बात कहां से देखी ना जी, ये तो रिज़्क़ की बात होती है। पहले बिल्ली आ गई थी वो खा गई, अगर आप पहले आ जाते तो आप खा जाते। अच्छा फिर मैं किसी दूसरी दुकान से ले लूं? बिल्कुल, आपका दूसरी दुकान पे रिज़्क़ लिखा हुआ है, वहां जाके खाएं आप। क्या 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 दूसरी दुकान पर क्यों जाए? भाई साहब बैठे थे यार। अलन वो क्या बात है, क्या चाहिए भैया? कबाब चाहिए। कबाब चाहिए अभी लीजिए, कबाब बनाओ। अलन कितने? एक दर्जन। एक दर्जन कबाब बनाओ यार। अलन वो कीमा बिल्ली खा गई है सारा। क्या क्या? बिल्ली खा गई ना अलन वो। बिल्ली खा गई कीमा? हाँ हाँ। तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ही हुआ ना वो खा गई है, वो संडे का तो कीमा था, वो मुर्दार। आप बैठे जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं आप बैठे ना आपको। अच्छा बात करेंगे आप। हाँ बताने तो ये अच्छी बात होगी ना। तो हम तो किसान ने बकवास किया जा रहा है। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, गुनाहगार होने से बच गए अमन लड़के। तुझे तो पता है जिस चीज का कीमा था वो कुत्ते बिल्लियों का था, कुत्ते बिल्ली खा गए। तो बिल्ली के बच्चे तुम? क्या हो रहा है? मालिक आ गए, मालिक आ गए। हाँ सुबह सुबह पता नहीं किसकी शक्ल देखी, कौन खबीस था। क्या हुआ? आईना देखा होगा जी आपने। चलो काम करो अपना। कर रहा हूँ। अजी पहलवान जी अब तो पत्तों में गड़बड़ थी। ओ जी क्या शान होती थी जवारिये की। क्या बात है, जुआ खरा होता था। अब तो बस हर चीज में बेईमानी हो गई। हाँ जी अब तो सगे बाप पर भी एतबार नहीं रहा। अब तो लोग शार्परों ने तबाह किया है। हमारा ऑर्डर लगा दो। जाओ भाई अभी लगा रहा जी। पहलवान का ऑर्डर लाओ। पहले बाहर का ऑर्डर दिया हूँ। जाओ दे क्या जल्दी। मैं तो सारी पूंजी हार गया हूँ। हाय 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 सारी पूंजी। तो कुछ और निकलवा ले बैंक से। वो तो सुबह अब पहलवान जी कोई बात 10-12 साल से ओ, ये बिजनेस आप कर रहे हैं पहलवान साहब। ये बैठे ले। ये क्या है? ये क्या है? इधर लाओ। ये नहीं बस इसमें मेरी मुट्ठी में किस्मत का हाल है। चलो खोलो। ना यार मैं कह रहा हूँ खोलो। तो क्या तो कुछ भी नहीं है। चलो नन्हे जल्दी से लाओ। अच्छा जी लाओ पहलवान साहब का। बैठो बैठो पहलवान साहब। आप फिक्र न करें जी, दुकान ये आपकी चल रही है माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक कारोबार है। मुझे तो आजकल फुर्सत नहीं है। आपको तो इधर दिमाग लाने की जरूरत ही कोई नहीं है, आप अपना सारी तवज्जो उसी तरफ रखें। जी जी हाँ जी ले ले चाहिए। लो नहीं आप कहिए। वाह 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 ताजा हवा, माल का मजा ही कुछ और होता है। मैं जब मैंने खुद खाना होता ना तो सुबह सुबह मार्केट जाके अपने सामने जमा करवा के लाता। बड़ा मजेदार बनाता। अच्छा बहुत ताजा हलाल माल का तो चक्कर ही और है यार। अगर वैसे खुदा इन बातों से पहचाना जाता है। ये अल्लाह की शान है ना। है जी जिसके नसीब में लिखा था वही खाता है। चक्कर गलत हो गया ना। इनका जो माल था ना ताजा और हलाल वो फकर वाला ले गया, और ये जो खा रहे हैं ना ये इनका आदमी जो दे गया था वो वाला है। क्यों रहे? हमने तो एक दफा आपको हराम माल खाया, आप उन लोगों को हर रोज खिलाते तो इतना नहीं चीखते वो। अल्लाह ये क्या बकरा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं नहीं पहलवान जी ये बकवास कर रहा है, आप इसकी बातों पर ना जाए। यार जाहिल होना कोई बुरी बात नहीं, ये बदतमीज है और मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। अच्छा जो चीज आप बर्दाश्त करते हैं वो मुझे बता दे। वो ये है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाए, निकल जाए, अल्लाह इसे लेके निकल जाओ यहाँ। अच्छा जी अच्छा जी, एक दफा हराम खाया है तो आपने हमें निकाल रहे हैं, और लोगों को डेली आप हराम खिलाते हैं, उन्होंने तो आपको अल्लाह अल्लाह इसे ले जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ यहाँ से। छोड़ दे अल्लाह, नाम रहते नहीं है। आ जाओ ले जाओ इसे। यार अल्लाह दफा कर इस नापाक दुकान को, किसी अच्छी सी जगह पे चल के जो रिज़्क़ हलाल खाए। रिज़्क़ हलाल कहाँ से खाएंगे? कौन सी दुकान? जहाँ भी मिलेगा। अच्छा हाँ? क्या क्या रिज़्क़ हलाल चिकन पीस खाएंगे और टिक्के खाएंगे, कबाब खाएंगे और मुर्ग छोले खाएंगे। तुम नहीं 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 मैं खिलाऊंगा। मैं पाए तो नहीं कर रहा हूँ। हाय 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 लो, लो, तो
तो चिकन नहीं देते हो तो धुआं तो मेरी तरफ फेंको। बकवास मत करो, बात हो रही है। नीचे ट्रक। कोई बात नहीं भाई, वो कोई बात तुम्हारी खोपड़ी में आई? जी मेरी खोपड़ी में तो आ गई सेठ साहब, पता नहीं मेरे साथी की समझ में आई कि नहीं आई। नहीं मुझे तो सिर्फ खोपड़ी की समझ आई। तो मैं कोई फलसफा थोड़ा ही बोल रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ कि मैं इस शहर में सबसे बड़ा डीलर हूँ चीनी का। नहीं ये तो मैं समझ गया हूँ कि आप बहुत बड़े दिलेर हैं चीनी के। अबे दिलेर नहीं यार, डीलर। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने हमको जितनी भी चीनी दी थी वो सब की सब सप्लाई कर दी हमने बाजार में। क्यों बकवास कर रहे हैं सेठ साहब, बाजार में चीनी कहाँ सप्लाई कर दी है? बात क्यों नहीं समझ रहे हो? सारी सेठ साहब ने बाजार को सप्लाई कर दी सारी चीनी जो मिली थी, रजिस्टर पर लिखा हुआ वही चीनी इन्होंने ब्लैक में वापस खरीद ली। क्यों सेठ साहब? ना तो ब्लैक में क्यों खरीद ली? आपके पास राशन कार्ड नहीं है चाचा जी? यार अलन इनको दो चार राशन कार्ड ही बनवा दो, तुम्हारी तो वाकफियत है। अबे नालायक, अगर राशन कार्ड पर चीनी पूरी पड़ती तो लोग जाकर के ब्लैक में क्यों खरीद? इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? सेठ साहब ने जो सप्लाई की थी चीनी, जो बाजार में गई वही चीनी इन्होंने रुपया फी बोरी ज्यादा देके तो वापस खरीद ली। हाँ तो फिर बोरी देने का क्या फायदा हुआ? आप सीधा उसको रुपया ही पकड़ा देते, ये आप चीनी को किस चक्कर में चक्कर दे रहे? ओहो बाबा, गवर्नमेंट का आदमी आता है वो चेकिंग करता है, हर रोज हमारा रजिस्टर बाकायदगी से चेक होता है। यही तो बात, तो इनका रजिस्टर भी तो बहुत साफ हो। अबे इनका रजिस्टर तो इतना बेदाग है कि कभी सही नहीं गिरने दिया। ओ नहीं यार, आज तक गिरफ्त में नहीं आई ये। हाँ तो भला तुम दोनों को मैंने ये नौकरी दी है तो वो किस लिए दी है? इसलिए कि हम बेकार थे लोग। नहीं बेकार तो बहुत से हैं। फिर तुम दोनों भाई, बल्कि डेढ़ भाई कहा जाए तो मुनासिब होगा। तो तुम दोनों डेढ़ भाई जो हो वो बाजार में जाओ, हर डिपो से जो चीनी हमने सप्लाई की थी एक रुपया ज्यादा मुनाफा देकर वापस ले आओ। क्या क्या क्या, एक रुपया फी बोरी बस कुल? हाँ? यही कमीशन होगा? तो बोरियां भी तो लाखों हैं भाई, कोई डेढ़ दो सौ से ज्यादा आदमी तो इस पर वर्क कर रहे हैं। हाँ तो किसी को हम देहाती बनाकर भेज देते हैं, किसी को पब्लिक का आदमी बना देते हैं। बस जी आपके पास तो पैसा है, आप जिसको जिस इंसान को जो जी चाहे बना सकते हैं, पैसे की बात होती है। तो पैसा तो बहुतों के पास है, हमारे पास अकल है, हम अकल से पैसा बनाते हैं। नहीं नहीं अकल से पैसा नहीं बन सकता, अगर ये बात होती तो अलन आज करोड़पति होता। मुझे आप सिर्फ ये बात मुझे सिर्फ बताए आप, ठहर अलन मुझे पूछने देना कि ये जो आप चीनी बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं, इसकी चीनी की आपको क्या जरूरत है? आप गचक बनाते हैं। भाई अल्लन तुमने ठीक कहा, खासा जाहिल आदमी है। भाई वो हर बात पे थैंक यू कह देता है, खासा ही जाहिल है। भाई वो जो बोरियां हैं वो हमको दामों में रख लेते हैं वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते, तो जिनको जरूरत है वो कहाँ से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। अच्छा झूठ मूठ की किल्लत पैदा होती? अरे देखना यार, एक चीज बाजार से उठ जाएगी जैसे दाल उठ गई थी। अच्छा तो दाल किसने उठाई थी? अच्छा दाल भी इन्होंने उठाई, अब ये तो उठा रहे। अबे वो दाल नहीं कर रहा हूँ यार, दालें जो खाते हो तुम। अच्छा वो दालें, तो वो दालें उठा ली तो क्या हुआ? बाजार में दाल नहीं थी, 16 रुपए बिकी, 18 रुपए बिकी, वो मेहरबानी थी 16 18 बिकी, वो 40 रुपए शेयर भी बेचते तो लोग खरीदते, जाते कहां वो? अब आ गई है बारी चीनी की, सारी खींच के तो गोदामों में ये ठूस देंगे। जब बाजार में नहीं होगी चीनी तो जिस मर्जी से बेचेंगे बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि महंगाई सिर्फ इसलिए है कि दुकानों की बजाय अब चीनी जो है वो गोदामों में सजी हुई। सिर्फ चीनी नहीं और बहुत सी चीजें भी सजी हुई, तो आदमी ऐसे ही अमीर तो नहीं बन जाता, ऐसे ही तो डीलर। क्यों जी सेठ साहब, कोठियां नहीं बनवा लेते, कारखाने नहीं लगवा लेते, अल्लाह ने कोई अकल दी है? बस मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह इनको थोड़ी सी मुल्क से मोहब्बत भी दे देता ना क्या? तो ये जहन्नुम में जाने से बच जाते, ये जो बैठे हुए हैं एन के लगा के। क्या ये कैसी बातें कर रहा, कैसी बातें कर रहा? देखो भाई मुझे तुम्हारी तकरीर नहीं चाहिए, हम यहाँ आए सेठ साहब के पास मजदूरी के लिए, हमें कमीशन चाहिए, समझ रहे हो? सेठ साहब इसकी बातों को आप माइंड ना करें प्लीज। भाई शाबाश, मैं और ये दोनों तो हम हाजिर हैं जी, दिलो जान से। शाबाश जीते रहो, तो ऐसा है कि तुम वो दर्जी के पास जाकर तो नाप दे आओ। अच्छा ये कपड़े सिलवा के दे रहे? हाँ यार अलन मेरे लिए फिर नीले रंग का सूट सिलवाना। सुन रहे
अबे नीले रंग का सूट किस खुशी में सिलवाएगा तू? सेठ साहब नौकरी दे रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं दे रहे हैं कि नीले रंग का सूट तुम मंगनी पर पहन के आओगे, बताइए। और नीले रंग का सूट नहीं, लट्ठा भिजवाया है दर्जी के पास। अच्छा, जैसे ये आपने पहना हुआ, ये तो मलेशिया है। ये मलेशिया है। अच्छा, एक टिप मैं और देता हूँ जी। अच्छा अच्छा, ये टिप वही तो नहीं, टिप टिप नाचूंगे गुन गुन गाऊंगे, संयम रे आएंगे उनको बिछाऊंगी। यार बिछाऊंगी बिछाऊंगी लगा रखा है यार, वो टिप और है, ये टिप और है। तब ऐसा जाहिल आदमी तुमने साथ रखा हुआ है भाई, ये इस शहर में टिप ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा रखा है मगर चीनी नहीं खरीद सकते, तो हम उन लोगों से भी चीनी खरीदते हैं। तो हम उन्हीं बहुत से लोगों में से तो हैं, राशन कार्ड बनवा रखे हैं, चीनी बेच देते हैं। तो वो तो अपना महकमा है, उस पर तो मैं पूरी तरह वर्क करूंगा। तो फिर ऐसा है कि कल ही निकल पड़ो, ठीक है, हर घर हर डिपू हर मोहल्ले हर दुकान पर चीनी का एक दाना मत छोड़ो। तो आप किससे बात कर रहे हैं सेठ साहब? मैं तो वो इंसान हूँ कि हम तो चूटियों के मुंह से चीनी छीन करके दिखा देंगे, आप इंसानों की बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक ही तो है, तू इंसान हो तो इंसानों की बात करे, तू चींटा है चींटियों की बात करे। जवाब हंस रहा जवाब भाई, ये मुझे क्यों डरा रहे हो? आपके पास चीनी होगी? अरे 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 भाई, रो क्यों रहे हो? बच्चे के लिए चाय होगी, मिल जाएगी। भाई रो नहीं, आज ही सब लाई आई है, बच्चे के लिए जरूर चीनी दूंगा। कितनी चाहिए? दो सेर दे दूं। दो सेर से क्या होगा, हफ्ता निकल जाएगा। कौन सा हफ्ता निकलेगा, एक मिनट नहीं निकलेगा। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? किस चीज के? आपके? नहीं, मेरे तो कोई बच्चे नहीं है। तो फिर दादा जान के लिए चीनी चाहिए। कितनी चीनी? 6 बोरियां। 6 बोरियां? हाँ जी, दादा जान ने मरते हुए मुझे कहा था, कल उनके कुल है। दादा जान ने मरते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ के कहा था, बेटे मेरे कुलों पर जर्दे की दस्ते के करवाना, मैं सारी जिंदगी चीनी के लिए तकलीफ में रहा। मगर ये दस्ते के क्यों? ये तो आप जब ऊपर जाएंगे ना, उनसे जाके पूछिएगा भी क्यों, वाई रीजन एक्सप्लेन दस क्यों। देखिए मैं तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पैसे इकट्ठे करके तो आपके पास आ गया हूँ, आगे जोड़ना को मंजूर। मेरे पास तो सिर्फ 4 ही बोरियां रह गई। चलो 4 ही दे दे। नहीं तुम 3 ले लो, एक आपने अपने खत्म के लिए रखनी। और भाई मोहल्ले में शरीफ लोग हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वो खाली हाथ जाएंगे बुरी बात है। जिंदा का लोगों का आपको इतना ख्याल है और मुर्दा लोगों का आपका कोई ख्याल नहीं। अब दादा जान अपना राशन कार्ड लेके आपके पास तो नहीं आएंगे। हाय दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा जान, देख लीजिए आपकी आपकी चीनी, आपके जर्दे के लिए चीनी के लिए मैं कितना दलील हो रहा हूँ, मैं दादा जान को बता दिया मैंने। अच्छा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ला ठीक है, लाओ ये निकालिए, ये लीजिए पैसे, कितने के? लाओ लाओ पैसे। ये तो ये बन गए 571 रुपए तुम्हारी हफ्ते भर की कमीशन। तो ये मैं बतौर जमानत तुम दोनों की सिक्योरिटी अपने पास ही जमा कर लेता हूँ। नहीं नहीं, वो अगले हफ्ते कर लीजिएगा, इस दफा में चाहिए किराया विराया देना। यार अलन, एक हफ्ते में 500 रुपए देख ले। यार कमाल है, इस तरह तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे, तो इतने पैसे रखेंगे काम है। यार अलन, ये तूने सही धंधा पकड़ा हुआ है। अबे महीने के 2000 रुपए हो जाते हैं, समझ रहा है ना, जिसमें से 50 तेरा हर हफ्ते, 200 तेरे, 800 मेरे। हाँ ठीक है, कल आप फिर बाजार से चीनी समेटते हैं। अब कहाँ चीनी रह गई है बाजार में, जो समेटने जा रहे हो, चीनी सारी समेट के सेठ साहब ने अपने गोदामों में भर ली भाई। न तो अब बाजार में चीनी बिल्कुल नहीं है, वो छोड़ते हैं बाजार में चीनी, तो फिर हम कमीशन कहाँ से लेंगे? परेशान हो गए थे भाई, परेशान मत हो, जो चीनी हमने अपने गोदामों में बोरियों की सूरत में जमा की है उसे दोबारा बाजार में जाकर बेच दो, अपना कमीशन खड़ा कर लो। ये बात यार किस किस्म का आदमी है ये? क्या क्या कर रहा है अबे? ना तो बाजार में चीनी बेचने की क्या जरूरत है कि वापस खरीदनी है आपने? अबे दोबारा महंगे दामों बेचने के लिए खरीदी है, बात क्यों नहीं समझते? लोग चाय पीते हैं, उनको चीनी चाहिए पीते। लोग बच्चे को दूध में चीनी चाहिए, अगर दूध में चीनी नहीं मिली तो बच्चे का हाजमा खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। लस्सी पीते हैं गर्मियों में, उसमें चीनी चाहिए, वो गुड़ की लस्सी पिएंगे लोग? नहीं नहीं, गुड़ की लस्सी पीने से तो वो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती फिर
और यार अलन मेरी तो ये दुनिया ही समझ में नहीं आई। यार तुम्हारी समझ में कोई बात भाई नहीं। तुम इसे समझो भी नहीं, इसे समझना बहुत मुश्किल है, बस तुम अपना कमीशन खड़ा करते ही जाओ। और क्या। हाँ, और अगर तुम चाहो तो यही चीनी बाजार में जाकर 16 रुपए सिर बेच सकते हो, लोग क्यों तक नहीं करेंगे। यही तो बात है, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज तो उसी भाव बिकेगी जिस भाव आप चाहेंगे। शेख साहब, ये बच्चा हो गया है डिमोरलाइज। खुदा ना करे मेरा बच्चा डिमोरलाइज हो। ना ना, आपका बच्चा तो हो ही नहीं सकता। आपके बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बच्चा हमारा है। अच्छा। इसको आप अच्छी सी जरा चाय पिलवा दे। चाय? हाँ। हजारों मन चाय लो भाई। लड़के यहाँ आओ बेटे। जी शेख साहब। भाई देखो ये बाबू लोग आए हैं, इनके लिए 2 प्याली चाय की लेकर आओ, डबल मलाई वाली तेज पत्ती अभी लेके आया जी। और मेरे लिए जूस की बोतल। आपके लिए भी अभी। हाँ, 2 बोतलें बच्चे के लिए लाना। ये लो बड़े मियाँ। ए भाई 1 किलो चीनी दे दो। मेरे पास तो नहीं है। तुम ही दे दो, पैसे ज्यादा ले लो। अब मैं कहाँ दुकान दुकान मारी फिरूंगी, मेरा छोटा सा बच्चा चीनी के बगैर दूध को मुंह नहीं लगाता, सब बुखार है, रो रो कर जान हलकान कर ली हूँ। अरे अरे, क्या बात है भाई, ये गरीब दुखियारी क्यों रो रही है? ये बेचारी चीनी के लिए रो रही है। चीनी के लिए? जी हाँ। तो क्या चीनी नहीं है आपके पास? तो है कहाँ, होती तो देना देता। अजी अब तो चीनी की शक्ल भी भूलती जा रही है, जैसे बाजार से ही उठ गई हो। उठ नहीं गई, उठा ली गई है। अजी लोगों ने राशन कार्ड इतने बनवा लिए हैं कि दुगनी हो गई है आबादी। तुम गलत कार्ड वालों को दोगे तो फिर हमें कहाँ से मिलेगी? सब कसूर तुम्हारा है, तुम अपने कार्ड की चीनी दूसरों को दे देते हो और तुम्हारे पास खरीदने को पैसा ही नहीं होता। अब पैसा है तो क्यों नहीं मिलती? अब मेरे पास खत्म हो गया तो मैं कहाँ से दे दूँ? ना दो, ना दो। तुम्हें क्या पड़ी, किसी का बच्चा मरता है तो मरे, तुम अपनी नफाखोरी कमाओ, अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा तुम पर। इस औरत की बातें सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, यानी इस कदर तकलीफ है पब्लिक को चीनी। अजी मुफ्त की गालियां तो हमें सुननी पड़ती हैं। मैंने अपने खालू की शादी के लिए जी कुछ बोरियां खरीदी थी चीनी की। चाहो तो वो मैं ला दूं, अगर पब्लिक को इतनी तकलीफ है यार तो क्या फायदा मेरे घर पर पड़ी। कितनी बोरियां है? तो 12 है। लेकिन दूंगा 5। 10 दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहां से 10 दे दूं? 7 एक दुकानदार वास्ते मिन्नतें करके ले गया कि बेवा बहन की शादी है परसों। किस भाव? अच्छा किस भाव, भाव भी बताना पड़ेगा। अबे 10 रुपए किलो यार। तो ले आओ, पैसे अभी ले लो। नहीं, पैसे तो मैं ले ही लेता हूँ। हाँ। सवाल यह है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा काबिल एतबार आदमी है जिसे तुम मेरे साथ भेज सको? बिल्कुल है। हाँ। अब ये इसका जिक्र मत करना किसी से। आइए जनाब ख्वाजा साहब, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। ठीक ठाक हो? बस जी, आप जैसे लोगों की मेहरबानी हो तो हमें क्या तकलीफ। वो आपका आदमी आया था खत लेकर, मैंने उसे 2 मन चीनी दे दी। तो वो ले गए ना? जी हाँ बिल्कुल, बहुत इसरार कर रहे थे, बहुत मजबूर कर रहे थे पैसे ले लो, लेकिन मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि मियां ख्वाजा साहब के तो हम पर बहुत ही एहसानात हैं। तो कंट्रोल कीमत तो ले लेते। जब तक आंखों में शर्म है मैं नहीं ले सकता। तुम्हारे 250 कार्ड का और बंदोबस्त कर दिया। हाँ मेहरबानी, 250 और कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस हफ्ते तो मुश्किल है, आइंदा सही 2-4 हजार कार्ड दूसरों से भी कह दिए हैं। अच्छा ये ठीक है, चाय या ठंडा? कुछ नहीं, बस यूं ही इधर से गुजर रहा था, सोचा बताता चलूं। ये बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी ख्वाजा साहब, बड़ी मेहरबानी। वो आपके किसी दोस्त अहबाब को चीनी की कभी तकलीफ हो तो हमें मत भूलिएगा, खादिम है। ठीक है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीनी होगी भाईजान आपके पास? चीनी के अलावा कोई और बात नहीं आती? चीनी चीनी चीनी, कान पक गए सुन सुनकर। कान तो आपके बचपन में पक गए होंगे जब आपने मुर्गियां पहनी होंगी, अब तो कान बहते होंगे। और जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि चीनी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता है? चीनी तो अब यहाँ सिर्फ चूहे ही खा सकते हैं। नहीं नहीं, आपके अलावा इंसान भी खा सकते। इंसान चीनी नहीं खा सकता। क्या बात कर रहे हैं जी, जितनी चीनी चाहे मैं आपको दिलवा दूं। देख के क्या कर रहा हूँ,
अरे पाजी चीनी मिलेगी? लो, कितनी चीनी चाहिए? चीनी भी ज्यादा तो ज्यादा, मेरा ना ब्याह है ते मेरी बेबे कहती है के शहरों जाके चीनी लव के लिया। तो बिल्कुल ठीक है, आपको कितनी बोरियां चाहिए? देखना जी साढ़े घर विच ना मेरा पहला पहला ब्याह है, वी पंजी बोरियां चाहिए। असि जिमीदार पिंड आंदे ने। अच्छा तो 20-25 बोरियां आपको चाहिए? क्या बात कर रहे हैं, इतने कह रहे हैं कि जिमीदार हैं और पिंडों के पिंड आते हैं तो 20-25 बोरियां क्या करेंगे, उनको सिर्फ सिकंज बीन पिलाएंगे आप? तो फिर तुम ज्यादा तो ज्यादा जितनी मर्जी बोरियां दे दो। अरे आप कहें तो 100 बोरी दिलवा दूं। चलो ठीक है 100 दिलवा दो। ठीक है तो भाव तय कर ले आप मेरे। नहीं पाजी केड़ी गल है, जिन्हें मर्जी पैसे ले लो। हाँ ठीक तो आ जाए मेरे साथ। नहीं नहीं तुम नहीं रह सकते, ये मेरा ग्राहक है। क्या बात कर रहे, चीनी तुम्हारे पास नहीं है तो ग्राहक तुम्हारा, तुम इसको क्या मूंगफली दो? तुमसे लेकर दे दूंगा। मुझसे लेकर दे दो? हाँ? जब मैंने तुम्हें चीनी देनी है तुमने इसको देनी, तो मैं इसको सीधा ही दे दे, ले जाऊं उधर। नहीं मैं नहीं जाने दूंगा इसको। हाँ? तू कौन है उन्हें रोकने वाला? लपड़ मार के मौका टाला भाई। मौका खराब कराना। आओ किधर गया? तुम दे दो, तो से उठवा दो ना। सलाम अलैकुम सेठ साहब। वाह सलाम। सलाम अलैकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेर साहब ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, जितनी बड़ी इनकी ये पग है ना उतने बड़े जिम्मेदार हैं। इनकी अपनी जाती शादी है तो आप इनको 100 बोरियां चीनी की दे दें। हाँ तो ठीक है तो दे देंगे। तुम्हारी ना बड़ी मेहरबानी शेर साहब, नहीं तो मेरा ब्याह फीका हो जाना सी। मैं ना 10 दिन तो चीनी पीछे शहर विच खजल होना पिया। नहीं नहीं वो शहर में तो आपको खजल होने की, एक मिनट देखिए, मुल्क और शहर में चीनी की कमी नहीं है। ये तो सारी चीनी जो है वो शेर साहब ने बोरियों में भरवा के तो अपने गोदाम में छतों तक ठुसवा दी है। लो तो है, मैंनू फिर शहर दिया गला ना की पता। ये जो शेर साहब है ये तो चीनी के बहुत बड़े दलेर हैं। भाई ये डीलर हैं, डीलर हैं। ग्राहक भी लाया है तो अपने ही डिजाइन का ले आया है। ये शेर साहब जो है ना ये पहले बाजार में चीनी सप्लाई करते हैं और फिर बाद में अपने एजेंटों के जरिए वापस मंगवा लेते और गोदामों में भर देते। अब शहर में तो मिलती ही नहीं है। फिर तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सेठ साहब। देखिए मुझे भी आप हुई, आप तो उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। है? तो ये रहा मेरा शनाख्ती कार्ड। अच्छा अच्छा इस पे आपने लेनी है चीनी है। आपकी तो तस्वीर बहुत अच्छी लगी हुई, टाई बांधी हुई है इस पे। मैं फूड के महकमे से आया हूँ सेठ साहब, आइए तशरीफ लाइए। चलिए उठिए उठिए, चलते किसी अच्छे से। नहीं नहीं किसी अच्छे से होटल में बैठ के चल के खाना खाते, फ्रूट की जरूरत नहीं है। ये बच्चों को आपकी नन्ने इतनी बोरियां निकलवाती है, सारा गोदाम खाली करवा दिया, 100 बोरियां तो ये ले रहे हैं क्या? हाँ इनकी शादी है ना। क्यों सेठ साहब ये सच कह रहा? बेड़ा गरक करवा के रख दिया है। क्या क्या भाई? वो देखो उसको फूड इंस्पेक्टर को देहाती बना कर ले आया है, हालांकि हम खुद देहाती बनाते थे, वो बना बनाया ले आया। अब हमें अंदर करवाएगा, गोदाम सील करवाएगा। बेड़ा गरक कर दिया है इस पागल के बच्चे ने। ऐसे दो चार पागल के बच्चे बहुत जरूरी हैं सेठ साहब। ये माशरा तो सिर्फ ऐसे ही चंद पागल के बच्चों की वजह से पाक है, वरना आप जैसे लोग तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। आइए आइए। ओ, मैं आपकी भाभी को टेलीफोन करवा देंगे, टेलीफोन आपको। चलिए चलिए आइए। सेठ साहब सेठ साहब, जाने दे जेब में रख इसको। यार अलन सुन, ईमान से देख, ये बाल नेकी के काम ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद ही हो जाते हैं और हमें भी पता नहीं चलता कि हम नेकी का काम कर रहे हैं। नेकी के कामों को भी पता नहीं चलता होगा कि उनके साथ ये हो रहा है। हाँ तो चल फिर मुझे किसी अच्छे से होटल में ले जाके ना तो चीनी वाली चाय पिलवा। चीनी वाली चाय पिलवा दो तुम्हें। गुड़ वाली चाय से काम नहीं चलेगा? नहीं अलन, गुड़ वाली चाय पीने से मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है। अच्छा गुड़गुड़ होती है? गुड़गुड़ होती है। चीनी वाली पियो। एक ये क्या हो रहा है? यू फूल, यू शट अप।
Don't disturb me, idiot! क्या 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 idiot कहा तुमने मुझे? हाँ तो मैंने तुझे idiot ही कहा है, मैंने तुझे कोई गाली तो नहीं दे दी, कोई इतना तो लाल पीला हो रहा है, जो कुछ सीखूंगा वही बोलूंगा ना। ये कहाँ से सीख, क्या है यार? वो उसी मोटी मेम के यहाँ से जहाँ तूने मुझे भेजा था औने पौने सामान खरीदने के लिए, वो इसी तरह कुर्सी पे लेटी हुई थी ऐसे करके और मुंह पे टोपी रखी हुई थी। अब मैं जाकर खड़ा हो गया, मैं क्या कहूँ उसको। मैंने टोपी उठाई, मैंने कहा सफेद रंग की बाजी, सलाम अलैकुम। तो मुझे कहती है पता है, शट अप, टोपी सिट डाउन। टोपी सिट डाउन, हाँ इसका मतलब ये होता है कि टोपी रख दो। अच्छा। मैंने टोपी रख दी, अब फिर मैं सोच रहा था कहते हैं इसको क्या कहूँ। तो फिर मैंने टोपी उठाई, मैंने कहा चीटी बाजी सलाम अलैकुम, सो रही थी आप? Shut up! Don't disturb me, idiot! बिल्कुल सही कहा तुझे। Oh, shut up! You mother father! क्या क्या? ये भी उसने मुझे कहा। क्या? Mother father? ये भी उसने कहा। अजन, पता है तुझे mother father का मतलब क्या होता है? क्या? इसका मतलब होता है माई बाप। अच्छा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखें चिट्टी बाजी, आप हमें माई बाप ना कहें, क्योंकि हम तो खुद आप लोगों की उतरन और इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल करके तो अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे कहने लगी यू चीफ चीफ। उसके बाद मुझे कहती यू चीफ चीफ। और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने मान से क्या क्या तुझे बताऊं क्या क्या कहा। तो तुमने सिर्फ अंग्रेजी सीखी या कुछ सामान का भी पता किया? नहीं नहीं मैंने पता किया अल्लाह। वो एक और अंग्रेज है, आज उसका घर उजड़ा है। अच्छा। और उसका सामान जो है ना वो रेवड़ियों के भाव बिक रहा है। अबे रेवड़ियों के नहीं, कौड़ियों के भाव आए हुए। तो मैंने खरीदा नहीं है उससे। तो तूने खरीदा कुछ? नहीं नहीं मैंने खरीदा नहीं अल्लाह। दरअसल वो मैं जब उसके पास गया ना तो वो बेचारा प्लाट में लेटा हुआ था, लोगों ने तो उसके बदन से कपड़े भी उतार लिए मान से। प्लाट में लेटा हुआ, छोटा सा एक बनियान पहना हुआ था, छोटा सा एक जांगिए पहना हुआ था और मुंह पे इसी तरह का एक चीकू रखा हुआ था। तो मुझे उस पर बड़ा ही तरस आया मान से और मुझे शर्म भी पड़ी है। भाई पता ये यार गरीब लोग हैं, अब हमारे लोगों ने तो उसके बदन पे कपड़े भी नहीं रहने दिए, बहुत गरीब है यार अलन, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब। अबे पांव में जूती भी नहीं थी। अबे वो लेटा हुआ लॉन में सन वाथ ले रहा होगा। खुद सोच अलन कि उस बेचारे ने किस शौक से एक एक चीज जमा करके अपना घर बनाया होगा है अपने आराम के लिए। लेकिन ये जो अपने भाई बंद है ना, उन्होंने रद्दी के भाव उसका सामान खरीद लिया, उसको लूट लिया अलन। तो खुद सोच के अब हमारे मुल्क में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक होता। अबे तूने कभी ये भी सोचा कि वो अपना सामान क्यों बेच रहा है? तो मैंने सोचा क्या तो भाई मजबूरी है, उसकी नौकरी छूट गई होगी। अबे मजबूरी नहीं है यार। हाँ। उसका कॉन्ट्रैक्ट इस मुल्क से खत्म हो गया। हाँ। अब 5 साल में उसने जितना कमाया इस मुल्क से। हाँ। वो जाकर के लाखों और पता नहीं कितने में होगा। वो जाकर के अपना आराम से घर बैठ करके खाएगा। और चल चल बकवास न कर। क्या वो सामान बेच के तो बेचारा अपना वो किराया बना रहा है? तू कह रहा है वो लाखों कमा गया यार अलन। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाई जान, ये बहुत बुरी बात है अपने घर का सामान अपना बेचे, ये बहुत ही बुरी बात है। तो पता है क्या करता? अंग्रेजी में हंसने लगा। मुझे कहता हो यू स्टूपिड, हो यू मास्टर। मास्टर भी कहा? हाँ। यार मैंने उसे बड़ा समझाया, मैंने कहा देखो अंग्रेज भाईजान, घर जो है वो रोज रोज नहीं बनते। हाँ। हमने उनके घर का ठीका ले रखा है कोई। हाँ। भाई हमें तो सिर्फ ये है कि उनका सामान खरीदना है कौड़ियों के भाव और महंगे दाम बेचना है। हाँ। बिल्कुल ठीक है, उनका गला काटने के बाद अपने भाई बंधों का गला काटना। तो बेटा रख उसको, तो डिस्पोजल का काम क्या? उधर का माल इधर ठिकाने लगाना, सस्ता माल खरीदना और उसी सस्ते माल को महंगे दामों बेचना। लोग अहमक के बच्चे हैं ना जो महंगे दामों तुमसे खरीद लेंगे। अबे आप लोग अहमक के बच्चे हैं तो महंगा खरीद के भी समझते हैं कि बहुत ही सस्ता खरीद लिया है। ये कैसे? अब ये देख क्या, ये गिलास देख रहा? हाँ देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान का बना हुआ है। हाँ तो इसमें बताने की क्या जरूरत है, ये तो मैं सब पहचान। खाक सब पहचानते हैं। हाँ तो फिर ये बिजनेस तो ना हुआ ना, ये तो निरा फ्रॉड हुआ ना भाई जान। जब फ्रॉड से ही गाहक की तस्कीन हो सकती है तो फिर हम क्या कहें यार अलन। ये जो अपने मुल्क में इतने बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, इतनी चीजें वहां बनती है, तो ये चीजें क्यों नहीं खरीद सकते? बेटे उसकी बात ये है कि इन चीजों का ऐब है। क्या? उसके पेंदे में लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। लोगों के? अबे लोगों के नहीं, गिलासों के बर्तनों के। हाँ। नहीं नहीं ये क्या बात हुई, तो ये क्या जरूरी है कि दूसरों के इस्तेमाल शुदा चीजें जो है वो आदमी खुद इस्तेमाल करे, हम इस्तेमाल करें? ये जो रोजाना इश्तेहार इतने छपते हैं कि बी पाकिस्तान, बाई पाकिस्तान, ये क्यों छपते हैं? Why? क्यों? Reason next time. चल जाए। बात तो सुन ले। ये सिर्फ ज़हनियत की बात है।
और कोई नहीं, उनकी ज़हनियत ऐसी है, वो चाहते हैं कि विदेशी माल खरीद करके लोगों पर ये ठोस जमाएं कि हम खालिस मगरबी तर्ज की जिंदगी गुजार रहे हैं। वेरी गुड, तू अगर उनको दोनों हाथों से लूट रहा है ना, तो ईमान से बहुत अच्छा कर रहा है। देख, यू आर वेरी गुड, यस यस यू इडियट, वेरी गुड यू। ये क्या हो रहा है? औरत आ रही है, औरत। अब घपला मत करना, कोई समझ रहा है ना, तू फिक्र ही ना। हाँ यस कम ऑन स्पीक, व्हाट डू यू वांट। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं तो पूछ रहा था कि क्या चीज चाहिए। अब तो उसको इस तरह पूछते हैं। हाँ यस जी, फरमाइए। कट ग्लासेस हैं आपके पास? किस किस्म के कट? हम जिससे गला भी कट सकता है, जुबान भी कट सकती है। ये क्या जी? नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे पास तो हर किस्म के कट होते हैं, मतलब फ्रेंच कट, हिटलर कट। क्या कट, कट, कट लगा रखी है तुमने? वो क्रिस्टल ग्लासेस का पूछ रही है। हाँ, वो जो हम प्रेस अटाची से नहीं लाए थे, वो बारह बारह आने में जो लाए भाई, बारह बारह आने में कहा मिलते हैं क्रिस्टल ग्लासेस? अच्छा, अभी तशरीफ लाइए, आइए आइए। ये 100-100 रुपए के जो गिलास हम उस रोज लाए थे, भूल गए तुम? ये 100 रुपए का गिलास है? अबे ये तो 100 रुपए का बहुत सस्ता मिल रहा था, इसीलिए तो मैंने 6 खरीद लिए। अब कहाँ मिलते हैं ये गिलास? तू झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? 100 रुपए में तो चांदी का गिलास मिल सकता है, जिसमें 7 पुश्ते बैठ के इंसान की पानी पी सकती। उन चांदी के गिलासों की कीमत कुछ नहीं है इन क्रिस्टल गिलासों के सामने, तुम्हें कुछ पता है? नहीं भाई, ये तो सिर्फ उन घरों की जीनत है बेगम साहिबा, जिनका सोसाइटी में कोई मुकाम है, जैसे आप लोग हैं। अब तो घर में लोग हसबो नसब से नहीं, क्रिस्टल ग्लासेस से पहचाने जाते। इनके दाम बताइए। बस जी, ये देखिए 100-100 रुपए का हम लाए थे, तो आप 15-15 रुपए मुनाफा दीजिए। अच्छा अच्छा, कनेक्शन कर रहा है ना भाई? कंसेशन नहीं कर रहा हूँ, 15-15 रुपए मुनाफा मांग रहा हूँ। 115 रुपए का एक गिलास। 115 का एक गिलास? तौबा, 115 का? तुझे पता है 115 रुपए गरीब आदमी की तनख्वाह होती है एक महीने? तो हुआ क्या, हमें उससे क्या बहस है? इधर इधर आप इनमें पानी पिए नहीं भाई? जी हाँ भाई, वो पानी पिए, जूस पिए, लस्सी पिए, उसमें वो सोडा वाटर पी जाए, तुम्हें कैसे? नहीं नहीं, तो हमारे मुल्क के जो गिलास है उससे पीने से क्या जुबान टुकी जाती है, या मुंह से पानी वो चो जाता है नीचे? ये सब ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? बांधू मैं कब से? आपको पसंद? किसको बांधू? मगर मैंने बिल्कुल यही गिलास अपनी सहेली के यहाँ देखे थे। कहाँ? वो तो सिंगापुर से 50 रुपए का लाई थी। 50 रुपए का? जी हाँ। ये? जी बिल्कुल, क्रिस्टल के गिलास? जी हाँ। ये नहीं, 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 ये तो हो ही नहीं सकते जी, ये तो रही अब सिर्फ चंद घरानों में है। मैं उनको नाम दे सकता हूँ आपको? अच्छा, ये उनके पास नहीं हो सकता जी। और फिर सिंगापुर का किराया यहाँ से है कितना, ये भी तो सोचिए ना। तो जब एक चीज आपको यहाँ मिल रही है अपने मुल्क में, बाहर की, तो बाहर के मुल्क में जाने की जरूरत नहीं। नहीं तो अलन, जो सिंगापुर से गिलास आएंगे वो इनकी तरह जूठे तो नहीं ना होंगे? अब पता नहीं अंग्रेजों ने इसमें क्या पिया हो, शरबत पिया हो, जूस पिया हो, लस्सी पी हो, या वो पी हो। वो क्या पी हो? वो जो वो पीते हैं ना, देखो ना जी, वो तो पीने से तो ये गिलास नापाक हो जाते हैं। अब देखिए ना, अब ये गिलास आप अपने घर ले जाएंगे, इन गिलासों में बच्चे पानी पियेंगे, आप पानी पियेंगी, अब या मेहमानों को पिलाएंगे। अब देखिए ना कि ये चीजें जो है ये सब इसमें पीने की हराम हो जाएंगी, और क्यामत के रोज आपकी जुबान पे गरम गरम सीखे लगेंगी। गरम गरम सीखे तो आपकी जुबान पर लगनी चाहिए, ये सब फजूल बातें करने की जरूरत क्या है? नहीं अलग, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब गुनाह है। अब ये मुसलमान के घरों में ये नापाक गिलास हो तो ये तो बिल्कुल हराम है, इसमें पीना और पिलाना ये सब हराम है। बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तान। क्या क्या? अरे हाँ, वाकई भाई, मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया था। काहे पे जी? नहीं जी बस ठीक है, रहने दे, मैं सिंगापुर से ही मंगवा लूंगी। क्यों जी? दरअसल मेरे मियाँ अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपके मियाँ स्मगलर हैं? क्या बक रहे हैं आप? बहुत अच्छा सौदा, बहुत अच्छा सौदा। थैंक यू वेरी मच। देखना अलन के गाहक की तसल्ली करना तो अपना फर्ज है। हाँ बेटे, बिल्कुल बिल्कुल, ये दुकान तो बहुत चलेगी। हाँ ये अलन चाय तो चलेगी। क्या खास चलेगी? जब तेरे जैसे डुबोने वाले मौजूद होते ये दुकान चलेगी? जोर से ना बोले, मेरा दिल धड़कने लगता है। यार अलन, अगर मैंने कोई गलत बात की तो खुदा की कसम इधर ला, ये जूता उतार के मार मेरे सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर सौदा बेचना है कि ग्राहक को नसीहत करके उनको भगाना? बस 115 के हिसाब से वो 6 गिलास कितने के निकलते? 690 रुपए के। 90 रुपए हमारी खरीद है, 600 रुपए का नेट मुनाफा था। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ खुदा के लिए, मेरे ऊपर रहम कर, इस दुकान को चलने दे। तेरे ऊपर रहम करूं और ग्राहकों के ऊपर मैं जुल्म करूं, ये नहीं हो सकता। वो उठा, क्या चीज? वो चीज उठा, ये हाँ, ला इधर मार मेरे सर।
मैं सर पर मार करके ये 300 रुपए का तोड़ना है? मार मार मार, तेरे सर से ज्यादा कीमती है ये। मार इसको सर पे, आई विल किल यू। गॉड गॉड, चलो। यस, कम ऑन, स्पीक आउट व्हाट यू वांट। कोई नया सामान भी आया आपके पास? ये पूछिए कि कोई नया घर उजड़ा है या नहीं। चले, एक ही बात है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सुबह 6 बजे, बल्कि 6:30 बजे दो घर उजड़े हैं। क्या क्या लाए हैं आप वहां से? बस उनके बदन पर कपड़ों की चंद लीरे रहने दिए, बाकी सब कुछ उठा के ले आए। मियां, कोई क्रॉकरी व्रॉकरी लाए हो या नहीं? नहीं नहीं, कराकुली तो वो पहनती नहीं, इसलिए हम लाए नहीं उसको। कराकुली क्रॉकरी का पूछ रहे हैं? बर्तनों का। किसका? बर्तन, चीनी के बर्तन दिखाओ। हाँ, कि जो वो बर्तन, सारे जूठे बर्तन वो छोड़ गए, आपने बर्तन मांजने? हाँ, मैं मियां दिखाए। ये देखिए, ये देखिए। कितने का ये? अलन बता दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम घर जाओ, मैं बताता हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गलत बता दोगे, दिखाइए। ये हुजूर आपको हम दे देंगे 1,550 रुपए का। ओ फिटे मुंह तुम्हारा, क्यों? क्या बड़ी दुकानदारी करेगा, और मैं तो इससे भी ज्यादा महंगा बताने लगा। भाई अपने आदमी है। 1,550 तो बहुत महंगे हैं। क्यों जी? हाँ जी, महंगा कैसे नहीं होगा, ये कोई पाकिस्तानी कारखाने का तो नहीं बना हुआ, ये तो बाहर के कारखाने का बना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि इसमें अंग्रेजों ने डिनर किया है, और अगर आप इसमें डिनर करेंगे ना तो आपकी तो ज़हनियत ही बदल जाएगी, आप अपने आप को पाकिस्तानी महसूस ही नहीं कर सकेंगे। साहब इसके सही सही दाम बताएं। चलिए आप ऐसा कीजिए कि 50 रुपए कम दे दो। चलिए 50 कुछ नहीं, कनेक्शन कर रहा है इनको भी। अरे भाई अपने आदमी है, जरा सा कंसेशन कर देना चाहिए। अच्छा। देखिए साहब, 50-50 से बात नहीं बनती जी। एक दाम क्या? 1,200। 1,200 रुपए इसके, इस सेट के जो बाहर? 1,200 रुपए इस सेट के दे रहे हैं? ये बाहर का सेट है, इस सेट के 1,200 दे रहे हैं। चलिए ले लीजिए, पैक करें। हाँ, इसको बंद कर दे, मैं इनको और चीजें दिखाता हूँ। हाँ आइए। पकड़ो। थैंक यू। ले लिए मैंने, पैक करवाओ उसे। हाँ चलो, ये ले, गाड़ी तक छोड़ जाओ। अच्छा, आज क्या कर रहे हो? ये गाड़ी तक छोड़ गया? ये क्या, ये क्या? हाँ? भाई बर्तनों को गाड़ी तक छोड़ाओ। अच्छा अच्छा, मैंने समझा इनको छोड़ना। आइए, ये पकड़ मेरा असला। एहतियात से, एहतियात से। शाबाश, एहतियात से। शाबाश, एहतियात से। ले अलन में क्या